दोस्तों, सैमसंग ने हाल ही में गैलेक्सी A50 का प्राइस को कम कर दिया है, तो दूसरी तरफ सैमसंग ने लॉन्च करने जा रहा है सबसे कम बजट का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M40 को। अब इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया होगा वो आपको जानना चाहिए। दोस्तों देखिए, बहुत से मामलों में सैमसंग गैलेक्सी A50 सैमसंग गैलेक्सी M40 से आगे है। जैसे कि सेल्फी कैमरा, सैमसंग गैलेक्सी A50 के अंदर 25 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी M40 के अंदर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब आते हैं बैटरी के ऊपर। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A50 के अंदर 4000 mAh का बैटरी मिलेगा, तो गैलेक्सी M40 3500 mAh बैटरी के साथ आएगा। सैमसंग गैलेक्सी A50 इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को सपोर्ट करता है, तो सैमसंग गैलेक्सी M40 के रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। अब अगर सैमसंग गैलेक्सी M40 की बात करें तो इसमें बेहतर रियर कैमरा देखने को मिलेगा, 32+8+5 MP का। उसके अलावा इसमें पंचुअल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है। दोस्तों, दोनों का प्रोसेसर लगभग एक जैसा पावरफुल है। अब आते हैं कॉन्क्लूजन पर। तो मेरे हिसाब से आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 को लेना चाहिए, अगर सैमसंग गैलेक्सी M40 का प्राइस 20,000 रुपये से ज़्यादा हुआ तो। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।